तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि मोबाइल में कोई भी बड़ा सा फाइल होगा तो वो आप यूएसबी जैक, मतलब वो जो तार होता है ना, उसको ना लगा के कैसे कंप्यूटर पर, वो लिनक्स हो या विंडोज हो या मैक ओएस जो भी हो, ओके, आप कैसे मोबाइल का बड़ा बड़ा डेटा, 1 GB, 2 GB या 5 GB, 10 GB का फाइल, वो आप कैसे कंप्यूटर पर ले सकते हो, ओके, उसके लिए मैंने एफटीपी सर्वर का एक प्रोसेस बताया था। ये वाला आई बटन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, पर वहां पर लाइव वीडियो में ही आप फील कर रहे थे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम मतलब क्या, मतलब बीच बीच में कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा था तो फिर से कनेक्ट करना पड़ रहा था बार बार, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है। हालांकि हाँ, एफटीपी सर्वर बहुत अच्छा है, पर आज मैं ये वीडियो पर जो बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा है, ओके। इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि केडीई कनेक्ट एक सिस्टम आता है, उसकी मदद से भी आप मोबाइल से बड़े बड़े फाइल लैपटॉप में ले सकते हो, पर बहुत ही आसानी से, डिस्कनेक्ट का कोई झमेला नहीं है और इतना तेजी से फाइल ट्रांसफर होता है ना, आप समझ भी नहीं सकते, ओके। मैं अभी लाइव दिखा कर लाइव डेमो दूंगा कि 2 GB का फाइल एकदम यूएसबी से जैसे जाता है, अगर आप तार को कनेक्ट करके कॉपी पेस्ट करोगे तब जैसा स्पीड होता है उसी जैसा स्पीड आता है, ओके। और यहाँ पर बहुत बेनिफिट भी आता है जो मैं वीडियो चलते चलते बताऊंगा, ओके। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो मोबाइल से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर करना चाहते हो, वो भी बिना झंझट के, ओके, कोई भी तार फार ना लगा के, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। तो हम अपने कंप्यूटर पर आ गए हैं और मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन भी साइड पर दिखा दूंगा, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ अच्छी तरह से। देखो, मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा केडीई कनेक्ट, इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा, ओके। इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है। आप उसके बाद कंप्यूटर पर आ जाओ, कंप्यूटर पर आने के बाद टर्मिनल ओपन कर लो, मैं काली लिनक्स पर दिखा रहा हूँ, ओके, वहां पर ओपन कर लो। वहां पर लिखो सुडो सू, दबा के पहले रूट टर्मिनल पर जा जाओ, ओके, पासवर्ड देके, हाँ, रूट टर्मिनल पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखो सुडो एपीटी इंस्टॉल केडीई कनेक्ट, केडीई कनेक्ट जरूर लिखना, सिर्फ केडीई मत लिख देना, ओके, एकदम ये वाला कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ होगा, आप वहां से कॉपी कर लो, ओके। ये देखो, मैं अगर अभी यहाँ पर सर्च करूंगा एप्स में केडीई, देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा केडीई दबाने से, अब हम इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो हम केडीई दबा, केडीई कनेक्ट दबा के एंटर मारेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको शायद यस नो ऐसा कुछ दिखाएगा, पर मेरा नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं रूट टर्मिनल पर अनलॉक करके बैठा हूँ, ओके। आप वाई दबा के एंटर कर दे, मार देना यहाँ पर। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर सर्च करूंगा केडीई, ये देखो मेरा पूरा यहाँ पर आ चुका है केडीई का बंडल जो होता है। तो मैं इस केडीई कनेक्ट को अपने सामने ले जाऊंगा, इसको सामने ले आया। उसके बाद मोबाइल पर आप सेम वाईफाई पर कनेक्ट हो जाना, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेम वाईफाई पर। मैं दूसरे सभी वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ, मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और अपने कंप्यूटर पर देखो मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर फाइंड इसको क्लिक करूंगा, ये देखो मेरा डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। अभी पेयर नहीं हुआ है, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर पेयर वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा। देखो, मोबाइल पर मेरा एक नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पर मैं इसको ऐप से एक्सेप्ट कर लूंगा। देखो, पूरा कनेक्ट हो गया है, मैं इसको रिमोट की तरह भी यूज कर सकता हूँ, मोबाइल को अपने माउस पैड की तरह भी यूज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं शेयर फाइल करके भी यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, कंप्यूटर से कोई भी फाइल मोबाइल पर ले जा सकता हूँ, पर फिलहाल मैं आपको मोबाइल से कंप्यूटर पर ले आके दिखाता हूँ। मैं अपने ओपन कर लेता हूँ, आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ, ओके। देखो, मैंने मोबाइल पर कुछ कॉपी करूंगा वो कंप्यूटर पर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखो मेरा वेबसाइट, इसका जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो मैंने कॉपी कर लिया, मेरा क्लिपबोर्ड पर ये यूआरएल सेव हो चुका है। अब देखो, मैं केडीई पर जाऊंगा, केडीई कहाँ गया, ये रहा केडीई, ओके, इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंड क्लिपबोर्ड, उसके बाद मैं कंप्यूटर पर कोई भी एक, यहाँ पर देखो मैं पेस्ट करूंगा, देखो अभी क्या पेस्ट हो रहा है, सुडो एपीटी रिमूव, ऐसा कुछ मेरे कंप्यूटर पर क्लिपबोर्ड पर है, तभी मैं मोबाइल पर सेंड क्लिपबोर्ड पर क्लिक करूंगा। ये देखो, मोबाइल पर सेंड क्लिपबोर्ड पर क्लिक किया। अब देखो, मैं अगर पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट होगा, देखो कंप्यूटर पर पेस्ट करूंगा, ये देखो मेरे मोबाइल से जो कॉपी किया था वो लैपटॉप पर आ गया क्लिपबोर्ड पर। तो आप केडी एकदम, मतलब वो मैक ओएस वाला फील देता है कि आप एप्पल का मोबाइल पर जो कॉपी करोगे वो अपने मैक ओएस पर भी वो आ जाएगा, तो उसी तरह आप क्लिपबोर्ड को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, तो केडी बहुत ही इस मामले में अच्छा हो जाता है। तो मैं अभी एक शेयर फाइल करके दिखाता हूँ,
ओके 2 GB के लगभग। मैं अभी फाइल शेयर करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट लाइव स्पीड ही दिखा देता हूँ कि कैसा स्पीड आता है। जैसे कि मैं ये वाला फाइल को अगर मैं क्लिक करूंगा, शेयर पर क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पर KDE का ऑप्शन, ये देखो सेंड टू डिवाइस ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो मैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल को सेंड करने से पहले देख लेता हूँ कि कहाँ पर सेव होगा। ये देखो KDE कनेक्ट सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करना, अपने डिवाइस पर क्लिक करना। ओके यहाँ पर नीचे जाना, यहाँ पर देखो शेयर एंड रिसीव फोल्डर का ऑप्शन दिखाई, यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देख लेना कि कहाँ पर सेव हो रहा है। ओके डॉक्यूमेंट्स के अंदर KDE नाम का एक फोल्डर है, आप यहाँ से डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हो। ओके तो वीडियोस पर भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पर एक KDE वाला फोल्डर के अंदर मैं कर रहा हूँ। ओके इसको आप सिलेक्ट करके ओपन कर लेना, ओपन हो जाएगा। मैं फिलहाल तो कैंसिल कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ सेटअप करा हुआ है। ओके तो मैं इसको ओके कर दो क्या बार, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके तो वहाँ पर सेव होगा। अब देखो मैं मोबाइल पर बहुत सारा वीडियो एक साथ क्लिक करके सेंड करता हूँ, 2 GB के लगभग फाइल होगा। ओके यहाँ पर देखो मैं KDE पर सेंड टू डिवाइस करूँगा, अपने कंप्यूटर पर डिवाइस है, देखो 1.8 GB का फाइल है, कितना जल्दी सेंड हो रहा है। देखो 9%, 10%, 11%, देखो USB की मदद से अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तब भी ऐसा ही कॉपी मतलब ट्रांसफर होता है। तो KDE की मदद से भी आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, देखो अगर आप USB की मदद से ट्रांसफर करोगे तो आपको एक ही जगह पर फोन रखना होगा, पर अगर आप KDE की मदद से डायरेक्ट शेयर कर दोगे तो आपका कोई झमेला ही नहीं है, आपको शेयर हो रहा है और आप घर में कंप्यूटर में कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, मोबाइल से गेम खेलो, कुछ भी करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपका फाइल शेयर होता रहेगा। तो देखो कितने जल्दी से 2 GB का फाइल 60-70% 80% ऐसे शेयर हो गया। ओके तो इस तरह से आप FTP सर्वर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाला वो वाला वीडियो मैंने बोला था, तो आप KDE को यूज कर सकते हो। KDE भी बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। ओके सिर्फ यही मतलब सेम वाईफाई पर होना चाहिए। ओके तो समझ गए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और अमेजिंग से वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय गाइज़।